पंजा बटन दबा करके, पंजा बटन दबा के इसको दबाएंगे, क्रेन बंद हो जाएगा। देखिए क्रेन बंद हो गई, क्रेन चालू करना होगा तो पंजा बटन को दबा के इसको दबाएंगे, चालू हो गई। देखिए सिग्नल दिखा रहा है, चालू है। और सबसे पहले मेरे को देखिए क्रेन 160 टन सैनी है, इसका हमको बूम लेना है, मेन बूम है अपना 47 मीटर। उसके बाद हमको इसको टैली अंदर लेना है। सबसे पहले मैं ये वन को बटन दबाएंगे, सॉरी एक मिनट, अपने F2 को बटन दबाएंगे, फिर ये पंजा में जाएंगे, फिर ये अपना 8 और पंजा में जाके दबाएंगे तो हरा सिग्नल देगा, फिर इसके बाद ऑटो में जाएंगे, अपने को मैनुअल है, ये ऑटो में जाएंगे, ऑटो में जाके ये फिर मेन बूम में जाएंगे। ये देखिए मेन बूम में जाके ये जीरो करके फिर उसके बाद में F8 जो है कि दबाएंगे बटन, फिर उसके बाद 8 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए अपना ऑटो में दिखा रहा है और ये बूम सिग्नल ये एरो दिखा रहा है बूम अंदर आने का। अब मैं लीवर लूंगा, ये लीवर पर थोड़ा दिखाने का, ये देखिए मैं लीवर अंदर का ले रहा हूँ, देखिए सिग्नल देखिए अनलॉक हो गया, अब ये बूम अंदर आने लगा। देखिए धीरे धीरे बूम एक्टिवेट हो जाएगा ना सर, आपका भी जुड़े ठीक है? नहीं नहीं, अभी देखिए ये सिलेंडर वापस जा रहा है और टैली अपना चार नंबर को अंदर लेगा। देखिए जा रहा है अंदर, ये भी नीचे का बटन माना चाहिए, सब आ रहा है। देखिए अभी अपना ग्रिपर गया, 92 हो गया, देखिए और लॉक हो गया ग्रिपर, अब वापस आ रहा है। देखिए ग्रिपर जो है कि वापस आ रहा है, टैली अब 4 नंबर टैली अंदर आ रहा है, ऐसे करके सीरियल वाइज 5 नंबर आएगा, फिर 6 नंबर आएगा, फिर 7 नंबर अंदर आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अभी देखिए हुक अपना टच होगा, हुक को अभी हाफिस ले रहा है, अभी लीवर मार रहा है।
पांच नंबर देखिए अनलॉक हो गया अभी, बूम अपना ग्रिपर जो है कि बूम लेके आएगा पांच नंबर टैली को, बूम अंदर लेगा देखिए। सिलेंडर देखिए बाहर जा रहा है, अब छह नंबर को अंदर लेके आएगा। देखिए एरो हट गया ना, बूम अंदर हो गया, आप लीवर छोड़ देंगे, देखिए मेन बूम पे आ जाएंगे, देखिए आठ नंबर दबा के मेन बूम पे आ गए। अब क्रेन को बंद करेंगे, पंजा बटन दबा करके, पंजा बटन दबा के इसको दबाएंगे, क्रेन बंद हो जाएगा। देखिए क्रेन बंद हो गई, क्रेन चालू करना होगा तो पंजा बटन को दबा के इसको दबाएंगे, चालू हो गई, देखिए सिग्नल दिखा रहा है।